आखिर अकाली दल ने विक्रम मंजीठिया पर क्यों लगाया दाव? आखिर सिद्धू को घर में घेरने का क्या है अकाली का प्लान? पंजाब चुनाव को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। अभी तक यहां सियासी दिग्गज एक दूसरे के खिलाफ उतरने से बच रहे थे, लेकिन अब यहां भी चक्रव्यूह का निर्माण होना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शिरोमणि अकाली दल ने अमृतसर ईस्ट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को उनके ही घर में घेरने का सियासी दांव चल दिया है। दरअसल शिरोमणि अकाली दल ने अमृतसर ईस्ट सीट से कांग्रेस नेता सिद्धू के खिलाफ पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मंजीठिया को अपना दावेदार बनाया है। विक्रम मंजीठिया और सिद्धू की सियासी अदावत जग जाहिर है। सिद्धू जिस वक्त बीजेपी में थे तब उन्होंने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मंजीठिया को लेकर मोर्चा खोल रखा था और हर रोज सवाल खड़ा करते थे। माना जाता है कि शिरोमणि अकाली दल की नाराजगी के चलते ही बीजेपी ने 2014 में सिद्धू को अमृतसर से लोकसभा का टिकट नहीं दिया था। इसके बाद सिद्धू ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन मंजीठिया पर हमले करने बंद नहीं किए। खास बात यह है कि अमृतसर ईस्ट सीट से सिद्धू मौजूदा समय में विधायक हैं। सिद्धू से पहले उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू बीजेपी से विधायक रह चुकी हैं। इस तरह ये सीट सिद्धू की परंपरागत मानी जाती है, लेकिन उनको लेकर इलाके की जनता में नाराजगी है। पंजाब सरकार में मंत्री रहे सिद्धू अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करा पाए। यहाँ तो कई दफे सिद्धू की गुमशुदगी के पोस्टर लग चुके हैं। ऐसे में अकाली दल ने विक्रम मंजीठिया को उतारकर उन्हें घेरने का दांव चला है। अगर इस सीट के सियासी समीकरण की बात की जाए तो ये सीट सिख बाहुल्य मानी जाती है। विक्रम मंजीठिया ने भी हुंकार भरते हुए सिद्धू की जमानत जब्त करवाने का दावा वो कर चुके हैं। जाहिर है मंजीठिया के उतरने से अमृतसर ईस्ट सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। सिद्धू के खिलाफ अकाली दल से विक्रम सिंह मंजीठिया तो आम आदमी पार्टी से जीवन ज्योत कौर किस्मत आजमा रही हैं। सिद्धू के खिलाफ विपक्ष ने जबरदस्त चक्रव्यूह रचा है। सिख वोटरों पर अकाली दल की भी अपनी मजबूत पकड़ है, तो आपने भी सेंधमारी की कोशिश की है। ऐसे में हिंदू वोटर अगर मंजीठिया के पक्ष में जाता है तो फिर सिद्धू के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में देखना होगा कि 2022 के चुनाव में किसकी नैया पार होती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।